प्रदेश में न्याय पाना सबसे महंगा है, जहां अन्य राज्यों के अपेक्षा प्रदेश में सबसे अधिक न्याय शुल्क लग रहा है। इसे लेकर न्यायश्री संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। न्याय शुल्क कम करने की इसमें मांग की गई है। न्याय पाने के लिए प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शुल्क देना पड़ता है, जिसे लेकर इंदौर शहर की न्यायश्री संस्था ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय शुल्क कम करने की मांग की। वहीं संस्था के अध्यक्ष पंकज वाधवानी के अनुसार अधिक न्याय शुल्क होने से आर्थिक रूप से कमजोर लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं। देखिए, आज हम सभी संस्था न्यायश्रय के जितने भी मेंबर्स हैं, वी ऑल आर एडवोकेट्स, और हम संस्था न्यायश्रय के माध्यम से जो कानून में जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, और समय समय पे सेमिनार संगोष्ठियाँ आयोजित होती है। और एक बड़ी समस्या को लेकर आज हम सभी लोग कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं, और आज हम सभी लोगों ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको ज्ञापन दिया है, और उनका ज्ञापन जो है यहाँ पर ADM साहब को हमारे द्वारा दिया गया है। और हमारी संस्था की ये मांग है कि अभी देखा जा रहा है कि जितने भी गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको न्याय शुल्क बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, जिस वजह से ये सभी लोग न्याय से वंचित हो जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में 12% स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, तो यदि न्याय प्राप्त करना हो तो 12% का यहाँ पर न्याय शुल्क देना पड़ रहा है। और ये जो 12% है, ये अगर अन्य राज्यों को देखें, जैसे हम यदि राजस्थान की बात करें तो वहाँ 4% है, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 3% है, लेकिन मध्य प्रदेश में 12% न्याय शुल्क होने की वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो हैं न्याय पाने से वंचित हो जा रहे हैं। तो हमारी आज न्यायश्रय संस्था की ये मांग है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में संज्ञान लें, और इसको लेकर आज सभी हम संस्था के जो सदस्य हैं एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। न्यायश्री संस्था की ओर से दिए गए ज्ञापन को अपर कलेक्टर ने CM कार्यालय तक जल्द पहुँचाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।